हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ साहिल और आप देख रहे हैं टेक्निकल साहिल हिंदी, जिसमें कि आपको मिलेगा न्यू अपडेट एंड टेक्निकल ज्ञान। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि आप कैसे चेक कर सकते हैं आपके मेडिकल इंश्योरेंस का जो हॉस्पिटल है, कौन सा हॉस्पिटल है और कौन सी जगह पर, आप बहुत आसान तरीके से पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ। आप गल्फ कंट्री में काम करते हैं या सऊदी में काम करते हैं या कोई भी दुबई में या फिर कहीं भी, तो आपकी कंपनी आपको जो इंश्योरेंस कार्ड होती है वो देती है, यानी कि मेडिकल कार्ड। तो आप बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी ढूंढता रहता है कि कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ है हॉस्पिटल, तो नहीं पता चलता है। तो आप मोबाइल से आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सा हॉस्पिटल में आपका कार्ड चलेगा। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा देता है कि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप डाउनलोड कर लें। आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है CHI। जैसे सर्च करेंगे आप, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हैं ये वाला दमान लिखा हुआ है, आप इसको इंस्टॉल कर ले। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो सिंपली ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। इसको जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। तो आप सिंपली इंग्लिश में कर ले, यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करके उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे सिटीजन रेसिडेंट आपको इसी पे रहने देना। उसके बाद आपको सिंपली नेशनल सिग्नल साइन ऑन पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा इस तरह से। तो आप यहाँ पे फिर से आप थ्री लाइन पे क्लिक करके इसको इंग्लिश में कर सकते हैं। यहाँ से इंग्लिश में जैसे हो जाएगा, आप यहाँ पे नफाज से भी लॉगिन कर सकते हैं और अपना अक्षर से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे अक्षर से लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्लस पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। तो आप सिंपली यहाँ पे अपना इकामा नंबर और अक्षर का पासवर्ड टाइप कर दे। मैं यहाँ पे अक्षर का पासवर्ड और इकामा नंबर डाल के आपको दिखा देता हूँ। अक्षर का आईडी और पासवर्ड डालने के बाद सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डाल देंगे। तो मेरे में ओटीपी आ चुका है, मैंने डाल दिया ओटीपी। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा वेट कर लिया, अच्छे से खुल जाएगा, उसके बाद आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है पूरा। यहाँ पे मेरा नाम और मेरे जो इंश्योरेंस कार्ड है, मेडिकल कार्ड, इसका पूरा डिटेल आ चुका है आपके सामने। तो सिंपली आपको एक्टिवेटेड है, यानी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपका एक्सपायर हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी चेक कर सकते हैं रिन्यू हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे पता करना है कौन कौन से हॉस्पिटल में है। तो सिंपली आपको यहाँ पे माई नेटवर्क पे क्लिक करना है। माई नेटवर्क पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा लिस्ट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा लिस्ट आ चुका है, ये सब हॉस्पिटल में मेरा कार्ड चलेगा। तो आप भी चेक कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से इसी तरह से। और आपको अगर पता करना है कि ये वाला हॉस्पिटल कहाँ पे है, तो सिंपली अपना हॉस्पिटल का नाम सिंपली यहाँ पे आपको मैप पे जाके सर्च कर देना है। तो एग्जैक्ट लोकेशन आपका आपके सामने आ जाएगा, तो आप बहुत आसान तरीके से जा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।